सो हे गाइस, यहाँ पे है मेरे पास मेरा छोटा सा बट बहुत अल्टीमेट iPhone SE 2020। लेकिन गाइस इसमें एक प्रॉब्लम है, ये रिकवरी मोड पे स्टक हो गया है। मैं कितनी कोशिश कर लूँ ये हटता नहीं है। सो इन दिस वीडियो आई शो यू हाउ टू फिक्स दिस वेरी इजीली। इसके लिए अपना लैपटॉप उठाओ, उसको प्यार से खोलो। यस, प्यार से। यहाँ पे गूगल क्रोम पे जाओ, इस वेबसाइट को विजिट करो, इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेंगे। ये जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही अल्टीमेट है, अपना आईफोन ठीक कर सकते हो अगर वो व्हाइट एप्पल लोगो पे, बूट लूप स्क्रीन पे, फ्रोजन स्क्रीन पे, वाइट स्क्रीन पे, लॉक्ड स्क्रीन पे, डिसेबल स्क्रीन पे, रीस्टोर फेलियर पे, पीएफयू मोड पे, रिकवरी मोड पे, या फिर आईट्यून एरर्स पे स्टक हो गया। यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करते हैं, यूएसबी के थ्रू अपना आईफोन कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे वो सारे इश्यूज हैं, अपना इश्यू सिलेक्ट करो। मेरा है स्टक इन डेटा रिकवरी, स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। दो मोड आ गए हैं, स्टैंडर्ड मोड और एडवांस मोड। ये प्रॉब्लम हैवी लग रही है, एडवांस मोड पे क्लिक करता हूं। कनेक्शन पेज ने सबको डिटेक्ट कर लिया है मेरे फोन के बारे में। सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, फर्मवेयर पैकेज को डाउनलोड करेगा। ये चीज आईट्यून से भी हो सकती है, थोड़ी मुश्किल है। यहाँ लिखा है वेरीफाइंग दी अपडेट, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूं। अब हमारा आईफोन फिक्स होना स्टार्ट हो गया, अराउंड 10-15 मिनट लगे। फाइनली लिखा आ गया रिपेयर, फाइनली फोन को निकालता हूं, लग तो रहा है ठीक हो गया। एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मेरा आईफोन SE बिल्कुल सही